हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो उर्दू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा लैपटॉप कौन सा है। जैसा कि मार्केट में बहुत से लैपटॉप्स मौजूद हैं, तो इनमें से अच्छा लैपटॉप सेलेक्ट करने के लिए आपको काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है। तो इस वीडियो में बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल यूज़ के लिए लैपटॉप्स के बारे में बताऊँगा, और उसके साथ बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग। अगर आप गेम्स खेलने के शौकीन हैं तो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप कौन से हैं, तो इस वीडियो को देखते रहें। और शुरू करने से पहले सब्सक्राइब के साथ बेल के आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल यूज़। तो सबसे पहले जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट्स के लिए, वो है एसर एस्पायर E5 575। ये कोरे i5 7 जनरेशन में 8GB रैम के साथ फुल HD ग्राफिक्स और 1TB हार्ड डिस्क के साथ मौजूद है। इसकी प्राइस पाकिस्तानी रुपीस और इंडियन रुपीस में नीचे लिखी हुई है। तो ये अपनी कीमत के लिहाज से एक बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है। और जो इसमें एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी, वो है इसकी USB-C पोर्ट। इससे पहले सी पोर्ट आपके मोबाइल्स में ही आपको देखने को मिलती थी। नेक्स्ट लैपटॉप है हमारे पास डेल XPS 13। अगर तो आप लैपटॉप पर ज़्यादा देर काम करते हैं और आपको किसी प्रोफेशनल लैपटॉप की ज़रूरत है, तो मैं ये लैपटॉप आपको रिकमेंड करूँगा। ये लैपटॉप ना सिर्फ देखने में ही खूबसूरत है, बल्कि ये अपनी परफॉर्मेंस से भी आपको बेहद मुतासिर करेगा। ये बेजलेस में है और बहुत ही प्यारा डिस्प्ले है इसका। ये 7 जनरेशन कोरे i5 में 8GB रैम के साथ अल्ट्रा HD ग्राफिक्स और 256GB SSD में मौजूद है। एक और बेहतरीन लैपटॉप जो कि प्रोफेशनल यूज़ के लिए आप बाय कर सकते हैं, वो है HP Envy। ये एल्युमिनियम बॉडी में है और लो बेजलेस के साथ देखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये बिल्कुल पतला और लाइट वेट है, मगर परफॉर्मेंस के लिहाज से उतना ही ताकतवर है। ये 8th जनरेशन कोरे i5 में 8GB रैम के साथ HD ग्राफिक्स और 256GB SSD के साथ मौजूद है। तो नेक्स्ट लैपटॉप है हमारे पास HP Pavilion X360। ये लैपटॉप आप एज अ स्टूडेंट और प्रोफेशनल दोनों मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कन्वर्टिबल लैपटॉप है, इसको आप एज अ टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट और खूबसूरत है। इसके साथ इसका साउंड सिस्टम और इसकी बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी है। ये कोरे i5 7 जनरेशन 4GB या 8GB रैम के साथ दोनों में अवेलेबल है। फुल HD और 1TB हार्ड डिस्क भी शामिल है। अब बात कर लेते हैं बेस्ट गेमिंग लैपटॉप की। बेस्ट गेमिंग लैपटॉप में आपको रिकमेंड करूंगा डेल इंस्पायर 15 7000। इसमें NVIDIA 1060 ग्राफिक कार्ड मौजूद है। ये तकरीबन हर गेम को आसानी से हैंडल कर लेगा और इसकी बैटरी लाइफ भी बहुत ही शानदार है। इस पर तकरीबन मैंने फुल HD वीडियोस मुसलसल 8 घंटे तक देखी हैं। ये 7 जनरेशन कोरे i5 में 8GB रैम के साथ 16GB NVIDIA GTX 1060 ग्राफिक कार्ड के साथ 256GB SSD हार्ड डिस्क मौजूद है। तो मेरी नेक्स्ट रिकमेंडेशन है Asus VivoBook। अगर तो आपका बजट कम है, तो ये बेस्ट बजट गेमिंग लैपटॉप है। ये तकरीबन हर तरह की गेम्स आसानी से चलाएगा और ये 7th जनरेशन कोरे i5 में 8GB रैम के साथ NVIDIA 940MX ग्राफिक कार्ड और 1TB हार्ड डिस्क के साथ मौजूद है। तो सबसे लास्ट पर जो गेमिंग लैपटॉप है, ये एज अ बोनस रखा है मैंने वीडियो में। ये लैपटॉप तकरीबन सबसे महंगा लैपटॉप है और इस पर आप जो मर्जी गेम्स चलाएं, इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस में इसका कोई भी मुकाबला नहीं। ये 7th जनरेशन कोरे i7 32GB रैम के साथ NVIDIA GTX 1080 ग्राफिक्स कार्ड और 1TB SSD के साथ मौजूद है। तो फ्रेंड्स, ये थे वो बेस्ट लैपटॉप जिनको आप बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें कि आपको फेवरेट लैपटॉप कौन सा लगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।